स्वागत है आपका शानदार मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग ओपन हॉल में, जो मौजूद है मुमरा के खजरी रोड पर, जो आपकी स्पेशल दिन को और भी यादगार बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें 4000 मेहमानों की कैपेसिटी है। रिसेप्शन सीटिंग, डाइनिंग एरिया, साथ ही एम्पल ऑफ पार्किंग, स्पेशल स्टेज, बिग किचन, ड्रेसिंग रूम, साथ में प्रेयर रूम भी अवेलेबल है। मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग ओपन हॉल में आप शादी, इवेंट फंक्शन, बर्थडे पार्टी, सोशल गैदरिंग और बहुत कुछ आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। स्पेशल सर्विस के साथ मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग हॉल, जहां हर शादी एक कहानी बन जाती है। लाइट हम लोग ने अपने पैसे से लगाए कि हम आज से नहीं 15 साल से लाइटिंग लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक्स नगर से वगे उनकी लड़की और वो मिलकर इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। ये कहाँ से कहाँ लाइट ले गया है और किससे पैसा ले गया है, क्या किया हमको नहीं मालूम है, जबकि उनका इसमें कोई योगदान नहीं। हमारे पूरे फाउंडेशन के लोगों को मिलाकर और हमारे को एक बड़ा योगदान नजीबुल्लाह साहब से भी मिला है। 50,000 दिए, हमारा प्रूफ भी है इसका, उन्होंने लाइट लगाए, हमको वहाँ से 1,00,000 रुपए मिले। लेकिन लगाने के टाइम भी हमको बहुत परेशानी हुई, इधर बहुत तकलीफ हुई है, लोगों ने हमारा काम भी रुकाया, लोगों ने हमारे को बहुत कोशिश किया रुकाने का। दरगाह के नाके तक का, ऑफिस तक का, बुलंद गेट तक का हमारी लाइट लगी हुई है। अब वो मेहनत का फल कोई और चाह रहा है लेने का, लेकिन वो मुश्किल है, नहीं होगा। उसके आगे उन लोगों ने लगाया होगा तो हमें उसका कोई पता नहीं। आप किसको भी पूछ के देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन काम करता है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा में फखरुद्दीन शाह बाबा रहमतुल्ला अलैह का उर्स मुबारक चल रहा है और इस उर्स के मौके पर अमृत नगर को लाइटिंग के जरिए सजाया गया है, मगर इस लाइट लगाने को लेकर भी अब श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। एक तरफ नजीब मुल्ला की टीम है तो दूसरी तरफ शानू पठान की टीम है। दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये सजावट उनके तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि सैयद ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह फाउंडेशन और नजीब मुल्ला टीम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सजावट का पैसा जो खर्च हुआ है वो नजीब मुल्ला की तरफ से दिया गया था, मगर वहीं शानू पठान की तरफ से वीडियो वायरल करके गली को सजाया गया है, जो वो कहा जा रहा है कि शानू पठान की तरफ से सजाया गया है। इसी बात को लेकर जो है फाउंडेशन के लोग और नजीब मुल्ला टीम के लोग ऐतराज़ जता रहे थे। इस पूरे मामले को लेकर हमने दोनों तरफ के लोगों का बयान लिया है, जो आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कि नजीब मुल्ला टीम और फाउंडेशन के लोगों ने लाइटिंग लगाने को लेकर क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका और दरगाहगरी की लाइटिंग को लेकर क्या पूरा मामला? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जावेद सैयद है। ये जो लाइटिंग जो आप देख रहे हो, ये जो लाइटिंग लगाई गई है, हमारी जो संस्था है ना, सैयद ख्वाजा फखरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह फाउंडेशन है, फाउंडेशन की जानिब से ये सारी लाइटें लगाई गई है, सजाई गई है, और ये अमृत नगर में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने अच्छे तरीके से अमृत नगर को सजाया गया। तो इसमें सजाने में हमारे पूरे जो फाउंडेशन के जो लोग हैं, जैसा फराद है, रिजवान है, वसीम है, सुबान है, ये हम सब लोगों ने अपना ताउन और इसमें हमारी मदद की है नजीब मुल्ला साहब ने। हम सब की ताकत से और पैसे से मिला के हमने लाइट को अंजाम दिया कि हम लाइटें को लगाए। तो आपने लाइट लगाए, लेकिन मामला क्या है? मामला ये ऐसा है कि जो लाइट हम लोग ने अपने पैसे से लगाए, लेकिन यहाँ पे जो एक्स नगर से वगे उनकी लड़की और वो मिलकर इसका क्रेडिट लेना चाहते, जबकि उनका इसमें कोई योगदान नहीं है। ये हमने अपने पैसों से लगाए, लोगों अपने आपस में टोटल हमारा 2,50,000 रुपये खर्चा गया है, जिसमें लाइट भी लगी है और जिसमें स्टेट भी लगा है। तो हमारे पूरे फाउंडेशन के लोगों को मिलाकर और हमारे को एक बड़ा योगदान नजीबुल्लाह साहब से भी मिला है। तो ये सब हम लोग ने मिलाकर ये लाइट को हमने लगाया। कितना पैसा नजीबुल्लाह? हमको वहाँ से 1,00,000 रुपये मिला। 1,00,000 जी, 1,50,000 रुपये हम लोग ने आपस में निकाल के कॉन्ट्रीब्यूट करके हमको लाइट को लगाया। और जो लाइट लगवाया है ये वो डेकोरेटर है, आप इनसे पूछ सकते हैं, इनको मैंने काम दिया था, इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था मैंने इस काम का, ये डेकोरेटर इसलिए इनको साथ में लाया। हां मैम, गुट्टू डेकोरेटर्स। तुमने लगाया लाइट? जी। किसने लगवाया? ये सब जावेद सैयद भाई ने अपने काम दिए थे अपने को। जावेद सैयद भाई, हाँ, इनका काम दिया हुआ है, वो काम हमने अंजाम किए। इसमें हमने पूरा 1,50,000 रुपये,
डेढ़ से ढाई लाख रुपए पूरा सैयद भाई की तरफ से आया हुआ है। जो सजावट होती थी वो कौन करता था? यहाँ पे सबसे पहले सजावट दरगाह की तरफ से होती थी, लेकिन अब नहीं होती है। तो अभी इस साल में ऐसा हुआ कि हम लोगों ने मिल के दरगाह का काम करके तो हम लोग मिल के लगाए, लेकिन लगाने के टाइम भी हमको बहुत परेशानी हुई, इधर बहुत तकलीफ हुई है। लोगों ने हमारा काम भी रुकाया, लोगों ने हमारे को बहुत कोशिश किया रुकाने का, लेकिन बोलते ना भाव फकर के तरफ से सब काम हो गया हम लोगों का। अब वो मेहनत का फल कोई और चाह रहा है लेने का, लेकिन वो मुश्किल है, नहीं होगा इतना। वहीं शानू पठान की टीम का कहना है कि शानू पठान पिछले 15 सालों से उर्स के मौके पर गली को सजाते हुए आए हैं और इस बार भी शानू पठान ने ही गली को सजाया है। बाबू भाई, एक मामला सामने आया है, यहाँ जो गली में लाइटिंग लगाई गई है, तो फखरुद्दीन साहब बाबा दरगाह जो है फाउंडेशन के लोग, उनका कहना है कि ये पूरी लाइटिंग वो लोग लगाए हैं और एक वीडियो जो है शानू भाई के तरफ से बनाकर डाली गई है सोशल मीडिया पे, उसमें ये कहा जा रहा है कि ये इनके तरफ से लगाई गई है शानू भाई के तरफ से। तो क्या मामला है, उन लोगों ने लगाया है या आप लोगों ने लाइट लगाई है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ऐसी बात है कि हम आज से नहीं, 15 साल से लाइटिंग लगा रहे हैं, 15 साल से लाइटिंग लगा रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी लगाएंगे। जैसे आपको गेट दिख रहा है, गेट भी हमने बनाया हुआ है अकबर डेकोरेटर से, और ये जो लाइट जो है रशीद डेकोरेटर, यानी दो अलग अलग है। और ये मंडप दिख रहा है कि हम पब्लिक को खड़े रहने के लिए मंडप बनाए, ताकि धूप में कोई आए तो पब्लिक के लिए मंडप खड़ा करे। और 15 साल से हम ये चीज़ लगा रहे हैं। और आपको एक बात बता दूँ कि हमको, हम ये शानू भाई की टीम है, हमको ना शानू भाई जो थे ना, हम शानू भाई की टीम है और हर साल लगाते हैं। और शानू भाई को हम बोलते हैं भाई ऐसा करना है, तो शानू भाई ने कभी हमको मना नहीं किया, भाई आप लगा लो। अब ये लोग वीडियो डाल रहे हैं, ये कहाँ से कहाँ लाइट ले गया है और किससे पैसा ले गया है, क्या किए हमको नहीं मालूम है। हमने अपनी लाइट मैंने रशीद भाई, आप मंगता हूँ गवाही लेते, रशीद भाई है, रशीद भाई को हमने लाइट का 50,000 दिए, लाइट लगाने का 50,000 दिए, हमारा प्रूफ भी है इसका, उन्होंने लाइट लगाए। और दूसरी बात ये है कि आपको मालूम होगा कि हमारा जो मेला लगा था, मेले के अंदर हमने जब संगम ज्वेलर के पास अंदर लाइट लगाए थे, वही लाइट इधर लगाए हमने, वही लाइट इधर लगाए। अब ये लोग कहाँ से पैसा लगाए, क्या प्रूफ कर रहे हैं, आगे कहाँ लाइट लगाए हमको नहीं मालूम है। और आपको एक चीज़ बताओ, जिसका हमको पैसा नहीं चाहिए, जो बीजेपी जो मलंग सरकार को, एक मिनट, जो लाइट लगाई गई है यहाँ पर शानू भाई की तरफ से, तो वो कहाँ से कहाँ तक का लगाई? ये हमारे ट्रस्ट का, ये हम अपने शानू भाई के जो सरकार वर्कर के लोग हैं, जितने भी टीम के लोग हैं ना, ये लाइट कहाँ से कहां? यहाँ से हम आगे तक लगाए शानू भाई के, अभी नाके से ना पूरी अंदर लगी है, उसके आगे वालों ने कहाँ लगाए मालूम नहीं। और हर साल 15 साल से लगती भी आ रही है लाइट, आगे भी इंशाल्लाह हम लोग ही लगाएंगे, शानू भाई की टीम ही, यहाँ से पूरे लेके अंदर तक। ये हमारे पास जो बुलंद दरवाजा गेट है वहाँ बाकायदा इसका पूरा प्रूफ है हमारे पास लाइट का। ये 50,000 रुपीज का अमाउंट है, रशीद डेकोरेटर को दिया गया है, देखिए ये। लाइटिंग कहाँ तक है? ये पूरा दरगाह, दरगाह के नाके तक का, ऑफिस तक का, बुलंद गेट तक का हमारी लाइट लगी हुई है ये। और जो मेले में लाइट लगी है वही लाइट यूज हुई है, पर्सनल लाइट है। उसके आगे उन लोगों ने लगाया होगा तो हमें उसका कोई पता नहीं है। मैं जानता हूँ मैं कब से लाइट लगा रहा हूँ, मैं बहुत पुराना आदमी हूँ। हम उस टाइम लाइट लगा रहे हैं, जब हम लाइट नहीं लगाते, हम पहले फोकस लगाते थे, पहले हम फोकस बांधते थे, उसके बाद में हमने दायरा बनाया, उसके बाद में ये लाइट लगाना चालू किया। फिर बताया कि ऐसी लाइट लगाएंगे पूरा स्टार्टिंग से लेके अंदर तक, भाई करते हैं 15 साल। आप यहाँ के पुराने रहवासी जितने भी, आप किसको भी पूछ के देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन काम करता है, शानू पठान की टीम ही काम करती है। ये हनीफ भाई, ये बहुत पुराने फूल वाले यहाँ पर, नरंगढ़ का ही हूँ भाई, हाजी मलंग दूल्हे का ही हूँ मैं, उनको मिटाने वाले सब मिट गए। अभी दूसरे तरफ से दावा किया जा रहा है कि लाइटिंग उनके तरफ से लगाई गई, आप क्या बताएं? गलत है ना, शानू भाई का नाम है, हम लोग सुनते पहले से आ रहे हैं, तो शानू भाई करता है, मर्जिया पठानी करती है, पूरी टीम करती है, मेरी फूल की दुकान है, नाम रहे कैसे शानू भाई के हम लोग हैं। हाँ, तो नाम शानू भाई था, लेकिन शानू भाई टीम काम करती है। आपने सुना कि दोनों तरफ से बात कही जा रही है कि गली जो उर्स के मौके पर सजाया गया है, एक तरफ शानू पठान की टीम है तो दूसरी तरफ नजीबुल्ला की टीम है, दोनों तरफ से सजाने का दावा किया जा रहा है।